यहाँ पे एक सवाल उठ रहा है कि हम इसको डेवलप कैसे करें इन आर्ट, ये जो आर्ट आपको क्वालिटी मैंने बताया और चार मैंने जो आपको चार क्वालिटी बताया, आर्ट स्किल्स बताए, इनमें से कितने स्किल आपके पास बाय बर्थ है पहले आप इस चीज़ को सोचते हैं, क्या इनमें से कोई स्किल बाय बर्थ आपको मिला है? आर्ट स्किल और चार क्वालिटी में लिखवाए हुए क्या इनमें से बाय बर्थ कुछ मिला आपको? स्पीकिंग मिली है, चलो देखते हैं, ठीक है। लिसनिंग मिली है, चलो देखते हैं। आप पहले तो ये देखिए कि इनमें से कौन सा पॉइंट आपको मिला हुआ है और उसके बाद एक असेसमेंट से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर वो पॉइंट्स डेवलप है कि नहीं। मिला कुछ भी नहीं है, मिला कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आप जब इस दुनिया में आते हैं तो केवल हार्डवेयर मम्मी पापा से लेके आते हैं अपनी शरीर, उसके अंदर सॉफ्टवेयर आपको खुद डेवलप करना है। ईश्वर ने सृष्टि ऐसे बनाई है कि माता पिता से शरीर हमें मिल गया है, पर इस शरीर का डेवलपमेंट आप अगर करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो खत्म। इसी कारण से एक ही घर में अगर चार बच्चे हैं तो चार में से देखने एक बहुत ऊपर जाता है और तीन वही के वही रह जाता है और एक तो बर्बादी हो जाता है। कारण क्या है? डीएनए तो ये बराबर था, पिता भी मेहनती ईमानदार, माँ भी मेहनती ईमानदार, उसके बच्चे में नालायक क्यों निकल गया? क्योंकि उसने अपने स्किल सेट को डेवलप नहीं किया। कौन तुम्हारा स्किल डेवलप करेगा? करना तुम्हें ही है, ठीक है। तुम्हारे भाई बहन भी नहीं करने वाले कि भाई बहुत अच्छा वक्ता है तो तुम्हें कहेंगे कि वक्ता बन जा, नहीं मैं बोलेगा, तुम्हारी अपनी इच्छा उनसे होगी ना। एक ही घर के चार बच्चों में से एक का सफलता और बाकी की विफलता कारण यही है, उसने केवल अपने माइंड सेट और स्किल्स को आगे बढ़ाया, बाकी उन्हें ध्यान ही नहीं दिया। चलने दो, किस्मत दे देगी और डीएनए में माँ बाप का खून तो है तो मिल ही जाएगा, तो कैसे मिलेगा? गुण तो डेवलप खुद करने पड़ते, गुण कभी माँ बाप के डीएनए से आए नहीं, कभी आज तक शरा सूरत भेजा जाती है। तो अब यहाँ पे डेवलप कैसे करेंगे? डेवलप करने के लिए आपको ध्यान रखिएगा, आपको ये चार थीम्स आज डेवलप कर लीजिएगा, ये आपका वर्क है। कम्युनिकेशन को सुधारें, सबसे पहले क्या सुधारें? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को सुधारने के दो तरीके, सुनो बोलो, सुनो बोलो। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कम्युनिकेशन सुधारना है। चार थीम में से दुनिया का पहला थीम होता है कम्युनिकेशन। अगर आप बोल नहीं पा रहे हो ना, आपका डिग्री का कोई मतलब नहीं है। तो क्या करो, आपसे सुनो बोलो, पर सुनो भी क्या, कुछ अच्छा सुनो। आप गीता सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप अपने धर्म ग्रंथ को सुन लीजिए, अच्छी बात है। कोई अच्छे वक्ता मिले, सुने हो। सुनने से क्या होता है, आपका बोलना भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। जो सुनता है वो बोलता भी अच्छा, जो नहीं सुनता वो बोलता भी नहीं, देखिएगा। दूसरा क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आप करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक आदत डाल दो, ये मान चलो कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आएगा तो मैं किस माइंडसेट से उसका सामना करूँगा। और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका कहीं अच्छा होगा, जो क्रिएटिविटी भी आपकी और बेहतरीन हो। जो इंसान क्रिएटिव होता है वो प्रॉब्लम से जल्दी निकल जाता है, ठीक है। मतलब हटके सोचने वाला, ठीक है। प्रॉब्लम तो सबके घर में आती है, लेकिन जो हटके सोचने वाला होता है वही घर को निकाल लेता है। तीसरा क्या, इंटरपर्सनल स्किल आप अपने अंदर डेवलप करिए। इंटरपर्सनल स्किल मतलब लीडरशिप और टीम वर्क, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, बहुत देखी जा रही है आजकल। एचआर राउंड में सामने वाला दिखता रहता है कि लीडरशिप करते हो कि नहीं, इंटर टीम वर्क आपके पास है कि नहीं, को सुधारिए। चौथा सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट मतलब खुद को भी मैनेज करिए। क्या सेल्फ मैनेजमेंट में है? पॉजिटिव रहिए और ऊंचा सोचिए। तो ये चार चीज़ें आपको सबसे पहले क्या करनी है, खुद के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आप इन चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि कैरियर में ग्रोथ आपकी बहुत डाउन हो गई है। शायद नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी मिलने के बाद प्रमोशन भी कोई चीज़ होती है। हम अगर 22,500 के स्टेज से लग रहे हैं तो हम भी चाहेंगे कि हमारी सैलरी इतनी 80,000-1,00,000 हो जाए, पर कैसे होगी जब आपके पास ये चीज़ नहीं है? डिग्री केवल आपको नौकरी में बैठा देती है, उसके बाद तो डिग्री का मूवी कोई नहीं देखता। उसके बाद आपके ये स्किल्स आपको उठाते चलते आते हैं, ठीक है। और फाइनली मैं इस वाले वीडियो को एंड कर रहा हूँ।